हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है एनालाइजिंग साइट कंडीशंस एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर ही ये टॉपिक है जो कि है हमें एनालाइज करना है साइट कंडीशंस को। हमारी साइट की कंडीशन क्या चल रही है, हमारे स्टोरेज मटेरियल जहाँ रखे जाते हैं वो जो हमारा वेयर हाउस है वो किस तरीके से मेंटेन है, क्या गंदगी हो रखी है, क्या हैजार्डियस सिचुएशन है, उन सब के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, एनालाइजिंग साइट कंडीशन में पूरी साइट की बात हो रही है। पहले तो हमने हैजार्ड्स देखने हैं। ठीक है, तो हमें हमारी जब पूरी साइट की बात हो रही है तो हम सभी चीज़ देखेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं हम सिर्फ पर्टिकुलर वर्क देखें कि हमारे पर्टिकुलर वर्क इस वर्क पर अगर कोई हैजार्ड है या नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें पूरा साइट हमें एनालाइज करना है, उसके ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए, जब अभी हम साइट एनालाइज करने जाएंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हज़ारिया साइट्स फीचर्स हमें देखने हैं, उसके अलावा क्या क्या और इम्पेयर अनप्रॉपर जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, जो सेफ नहीं हैं, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, उसकी स्टेजेस आइडेंटिफाई करना है। हमें आइडेंटिफाई करने के बाद हज़ार्ड्स उसमें क्या क्या है और उनके ऊपर एक डिसीज़न लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर लाइन से शुरुआत करेंगे। हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस हैं, क्या वो ऐसा तो नहीं बीच से डैमेज हो रखी हो जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। देखिए, पर डे के हिसाब से तो हम इंस्पेक्शन करते ही हैं, रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन तो होता ही है, पर हमें फिर भी एक बार हमें पूरा साइड एनालाइज करना होगा। साइट एनालाइज करने से ये पता चलेगा कि ऑल ओवर चल क्या रहा है। पूरे दिन भर में एक साइड हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं, पर हम हर एक चीज़ चेक करके उसे एनालाइज कंडीशन जो है, हम उसकी कंडीशन तो एनालाइज कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि हमारे जो साइट है वहाँ पे किस तरीके से क्या क्या काम चल रहे हैं, सही ढंग से चल रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें पता लगानी है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल्स है, गैस है, अदर पाइपलाइंस हैं, हम वो भी चेक करेंगे। रिस्ट्रक्टेड एक्सेस कितनी है हमारी साइट पे, क्यों रिस्ट्रक्टेड है, वो क्यों उन्हें बंद करके रखा है, हमें वो जानना है। रिस्ट्रक्टेड स्पेसेस जो है, मतलब बंद की हुई, रिस्ट्रक्टेड एरिया होता है ना जहाँ नो एंट्री होती है, वही रिस्ट्रक्टेड स्पेसेस कितनी हैं, वहाँ पे क्या क्या स्टोर है साइट पे, वो क्यों बंद हैं, ऑन साइट क्या वहाँ वर्क चल रहा है, प्री असेंबलीज क्या चल रही हैं, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमको ये सारी चीज़ें जब पता होंगी तो हमें पता चल पाएगा कि हमारा कौन सा एरिया यूज़ में आ रहा है, कौन सा एरिया नहीं आ रहा है। जो एरिया यूज़ में नहीं आ रहा है उसमें क्या क्या हमारी नो एंट्री जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया लगा रखा है, वहाँ कौन सा काम बंद पड़ा है, तो इससे हमें ये भी पता चलेगा वहाँ पर क्या क्या ऐसा स्टोर है सामान, क्या क्या स्टोर है, वो हमें पता चलेगा। ठीक है, अब अगर वो सच में वो सामान स्टोर करके रखना है, ज़रूरत है, तो वो स्टोर रहेगा, पर जो रिस्ट्रक्टेड एरिया है उसमें जो जो सामान है और वो हमें यूज़ में लेना है, तो हमें रिस्ट्रक्टेड एरिया जो है उसे खोल देना होगा। ठीक है, हमें ये भी देखना होगा हमारी लो ग्राउंड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना सामान वहाँ पे रखा हुआ है, कितना यूज़ में आ रहा है, कितना यूँ ही फालतू पड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हमें ये साथ में हमारी जो साइट है, साइट प्लान है, उसमें हमें ये भी देखना होगा बिल्डिंग्स, रोड्स, ये कितना हमारे एरिया में आ रहा है। ठीक है, जो हमारे काम को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे प्लान को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे मेथड्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो हम उसके लिए भी एक एनालाइज करके उसके लिए भी एक प्लान बनाएंगे। ठीक है, जनरल पब्लिक साइट तो ये नहीं है, तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी ऐसी चीज़ें हमारे साइट के बीच में आ रही हैं तो हम उसे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करके उस एरिया से बंद करने की कोशिश करेंगे। क्या, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी कंडीशन क्या है, हमारी अदर बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, विच मे इफेक्टेड प्लान। ठीक है, तो अगर हमारे प्लान को भी इफेक्ट कर रही है तो हमें उनको भी साइड करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ये भी देखना है कि हमारा मटेरियल स्टोरेज क्या क्या है। अब हम एनालाइज करें, पूरी चीज़ एनालाइज करें, हमारे पास क्या क्या सामान है, क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, क्या यूज़ में है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले अभी साइट प्लान पे एनालाइज किया, हमें कैसे एनालिसिस करनी है ये हमने चेक किया। ठीक है, अभी एनालिसिस हमें क्या क्या करना था, ये हमने देखा रिस्ट्रिक्टेड एरिया कितने हैं, हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज जो गई हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, कुछ चीज़ डैमेज तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने चेक की। हमारे मटेरियल क्या क्या है, हमें वो सारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल स्टोर है जो यूज़ में नहीं है उसे हमें आउट करना है। ठीक है, हम जो सामान यूज़ में आने वाला है वो यूज़ के लिए रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सामान पड़ा है जब यूज़ में था
यूज़ के लिए चाहिए था तब हमने उसे निकाला, नहीं बाद में वो सामने आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सारी चीज़ें पता होना चाहिए, हमें पूरे अरेंजमेंट्स क्लियर करने हैं, हमें एक्सेस करने हैं क्लियर, हमें लाइंस क्लियर करनी है, हमें मेंटेन करना है। देखिए कोई भी ऐसी जैम वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए इस पिक्चर में शो हो रहा होगा आपको किस तरीके से ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं जिनकी वजह से हम ठीक से नहीं जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी। हमारे जो भी स्टोरेज साइट्स हैं वो इतनी इस तरीके से नीट एंड क्लीन होने चाहिए, हमारी सारी चीज़ें पता चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन साइट है तो इस तरीके की हमें इस तरीके से बने हुए रूम्स तो नहीं मिलेंगे, पर बाकी जो इंडस्ट्रीज रहती हैं उनमें ऐसा होता है, ठीक है। तो जो भी हमारा स्टोर है, स्टोरेज है, उनके लिए जो भी हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इस तरीके से बना के रखें कि हमारा जो भी मटेरियल है वो वेस्ट ना हो। क्या होता है कभी कभी जो स्टोर में मटेरियल पड़ा रहता है वो ख़राब ही हो जाता है एक समय पे आके, उसका यूज़ ही नहीं हो रहा होता है तो वो पड़ा ख़राब हो जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता है। तो हमें इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। हमें मतलब स्मार्ट वर्क तो करना ही है, साथ साथ हमें अपना कोई सामान वेस्ट भी नहीं होने देना है। तो ये बात अगर ध्यान में रख के हम काम करते हैं तो हम एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं, अपने लॉसेस से भी बच सकते हैं। देखिए सिर्फ यही काम नहीं है हमारा कि हम सिर्फ एक्सीडेंट से बचाएं, सेफ्टी प्रिवेंट करें, हमें ऑल ओवर चीज़ें भी प्रॉफिट में रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे कोई भी काम करने से हमारा काम ही लॉस में जा रहा हो। तो जैसे कि डिस्ट्रक्टेड एरिया अगर आपने करके रखा है तो उसको चेक करें एक बार, वो क्यों बंद है, वहाँ पे क्या स्टोर है, क्या ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से एरिया डिस्ट्रक्ट करके रखना पड़ा है। तो आप जब देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना वहाँ पे होने वाला जो जो मटेरियल है वो किधर रखना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए सेफ्टी रखनी है तो थोड़ा सा तो ध्यान आपको देना होगा इन सारी चीज़ों पर, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते तो कहीं ना कहीं इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी सेफ्टी पे तो पड़ेगा ही, एक्सीडेंट्स लेवल भी बढ़ जाएंगे और फिर ऑल ओवर जो भी है वो साइट पर प्रॉब्लम आएगा। तो आपको क्या करना है जो मैंने बताया, जैसे कि आपको एनालिसिस करनी होगी, है ना। एनालिसिस जितने अच्छे से करेंगे उतने अच्छे से आप अपने आके होने वाले एक्सीडेंट्स को रोक पाएंगे, ठीक है। अब बाकी कंस्ट्रक्शन साइट का टॉपिक है तो ये कंस्ट्रक्शन साइट में हमने एनालिसिस चेक किया कि हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए सभी वर्क प्लेस पर होने वाले वर्क्स को हमें एनालाइज करते रहना चाहिए बीच बीच में हमें, जिससे कि पता लगता रहे कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या क्या अभी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, क्या क्या चीज़ें ठीक से रूटीन में नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको एनालाइजिंग साइट कंडीशंस बताया एंड स्टोरेज मटेरियल तो देखिए ऐसा था कि आप क्या क्या स्टोर कर रहे हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं स्टोर नहीं यूज़ में आ रहा है तो आप उसको मटेरियल को हटा दें, है ना। फालतू में हमें कोई सामान नहीं रखना है जो कि हमारी जगह भी ले रहा हो साथ में हमारा वर्क भी उसकी वजह से रुक रहा हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपको मैंने कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से पढ़ाया, एनालाइजिंग साइट कंडीशन, स्टोरेज ऑफ मटेरियल। सो थैंक यू।